वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, अज तुहानू दर्शन करवाउण जा रहे जी गुरद्वारा शहीदगंज साहब, जिला फिरोजपुर दे विच पैंदा जी, मुदकी एरिया उत्थे स्थित है। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी मौत उपरंत उसके वारसां डोगरियां अते अंग्रेजां विच राज हथियाउण दी लालसा अधीन आपसी खिचोतान वध गई। अंग्रेज अपनी कूटनीतियां नाल सिख राज ते गिरदारां लालची अते सत्ता दे भुखे ओह अधिकारियां नूं अपने वल करके सिख राज दे गिरदार हथियाउणा चाहुंदे सन। खालसा फौज दे धोखेबाज अफसरां ने साजिशां करके अते सिखां नूं भड़का के अंग्रेजां दे पल्ले पूरा पा दिता। इस करके संधि तोड़नी पई ते उसका जिहड़ा दोष सी ना खालसा फौज के उत्ते थोपिया गया। यह संधि तोड़न की आड़ विच 13 दसंबर 1839 ईस्वी नूं लॉर्ड हार्डिंग ने लड़ाई का ऐलान करके महाराजा दलीप सिंह ते सतलुज के दक्षण वल दे इलाके मल लै शाह मुहम्मद गोरिया छेड़ छेड़ी मुल्क पार मल्या। आण मिया दी कमांड हेठ खालसा फौज ने अंग्रेजा नाल लोहा लेंदे होए सतलुज तो पार लंघ के फिरोजपुर वल कूच किया। इत्थे सहाज लीटर 800 सिपाही ते 31 तोपां नाल सिखां दे टाकरे लई तैयार सी, जो कि सिखां दे टाकरे लई काफी नहीं सन। इस करके अंग्रेजां दी हार यकीनी सी, पर सिखां दे गिरदार लीडर इह नहीं चाहुंदे सन। इस लई उहनां ने अंग्रेज अफसर निकलस खान नाल सांझ बांझ हो के खालसा फौज नूं अंग्रेजां उपर हमला ना करन दा हुक्म दिता, क्योंकि तेजा सिंह लाल सिंह दा मकसद खालसा फौज दी तबाही सीगी। देख लो उस समय भी इस तरह के गिरदार हुंदे सन जिहड़े अज दे समय भी हैगे ने। गुरु प्यारे, उस समय गिरदार लाल सिंह ने फौज नूं 3 थावां ते वंड दिता, जिस करके वह कमजोर करन दा उन्हां दा प्लैन सीगा। उन्हां ने बाकी जिहड़ी फौज सीगी 18 दसंबर 1845 ईस्वी नूं मुदकी विखे लॉर्ड हार्डिंग दी कमांड हेठ शक्तिशाली फौज ला के आप मैदान विचों भज गया, पर सिखां ने कमांड तों बिना ऐसे करड़े हथ विखाए जिस करके लॉर्ड हार्डिंग नूं मैदान विच आउणा पिया सीगा। ते बहुत रात तक लड़ाई हुंदी रही ते नेरा ज़्यादा होण करके जिहड़ी फौज सी उह मैदान विचों पिछे हट गई। ते अगली सवेर हुंदे ही खाली मैदान अंग्रेजां ने आ मल्लिया, सब जख्मी सिंघां नूं शहीद कर दिता। इस लड़ाई विच हजारां योधे शहीद होए। 1870 ईस्वी नूं अंग्रेजां ने मुदकी दे मैदान विच अपने शहर दी याद चौनूकरी लाट बनाई, जो कि 1.4 किलोमीटर दूर है। उस तो बाद गुरु प्यारे, सन 1630 ईस्वी नूं संत बाबा शबेग सिंह ठठियां वाली पाकिस्तान तो आए सन, अते उन्हां नूं पता लगा कि अंग्रेजां ने अपना शहीद यादगारी जो स्थान सी उस नूं लाट बनाया। उन्हां सिख शहीदां दी याद बनाउण लई लोकां नूं प्रेरित अते संगतां नूं उत्साह दिखाया। ਅਤੇ ਮੁਦਕੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਘੁੰਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ 1930 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਚਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 51 ਫੁੱਟ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 111 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਵਾਰ ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ 35 ਸਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੇ 9 ਘੁੰਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ। 1930 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਪੋਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਵਸਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੁਦਕੀ ਅਤੇ ਲੁਹਾਮ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ
हर महीने बड़े उत्साह नाल मनाया जाता है। गुरप्यारी साध संगत जी, इत्थे इक बौली साहब भी है जिथे संगतां बहुत ही श्रद्धा भावना नाल आके इशनान करदियां हन ते सब दियां मनोकामना पूरियां हुंदियां हन। ते अज दी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। उम्मीद करते हैं अज दी वीडियो तुहानू पसंद आई होगी जी। तो वीडियो नू वध तों वध कर दिओ जी शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों, जेकर तुसीं भी चाहुंदे हो सोहनी दस्तार सजाउण दे लई, विआह शादियां ते होर इवेंट दे लई, साडे नाल संपर्क करो फिरोजपुरिया दस्तार अकैडमी अमृतसर।